जी हाँ नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बढ़ते हैं खबर की ओर। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस के मुताबिक एसपी दफ्तर पहुंचकर एक गंभीर आरोप लगाए गए। उनका कहना है कि एक आरोपी ने उसके साथ लगभग 3 बार साथियों जांच में गर्भवती पाया गया तो उनकी सफाई कराएगी, और इतना ही नहीं लगातार शादी का झूठा झांसा तसल्ली देता रहा और लगातार रेप करता रहा। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरअसल खबर राजस्थान के अजमेर जिले से निकल कर आ रही है, जहां पर एक फरियाद ने एसपी ऑफिस पहुंचकर ये शिकायत दी है। 4 वर्ष पूर्व इंस्टाग्राम पर तारागढ़ निवासी एक युवक से उसकी मुलाकात होती है, जो समाज के दोनों थे और पिताजी का अच्छा परिचित था। वे कॉलेज में पढ़ रही थी, दोनों की मुलाकात होती रही और धीरे धीरे प्रेम प्रसंग के जाल में फंस गया। आपको बता दें कि जिसके बाद उन्होंने लगातार दोस्तों इस वारदात को अंजाम दिया, और इतना ही नहीं जांच में जब गर्भवती पाया गया तो 3 बार उन्होंने सफाई करा दी। फिलहाल आपको बता दें कि जब शादी की बात कहती तो टालम टोल लगा रहता था, लेकिन पड़ताल की तो पता चला कि युवक शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। ऐसे में उसने कहा कि मेरी पत्नी से बनती नहीं है और मैं आपके साथ निकाह कर लूंगा, लेकिन जब शादी के नाम पर उन्होंने मना कर दिया। अब फिलहाल एसपी ऑफिस पहुंचकर मामला दर्ज कराया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सो दोस्तों, प्रदेश भर की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चैनल पर। नए विजिट करें चैनल को, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।